उत्तर प्रदेश में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। कहते हैं ना, जागोरा के सैया मार सके ना कोई। कुछ ऐसा ही हुआ एक 13 साल के किशोर के साथ, जिसकी जान बच गई। लोगों ने किशोर के बाल लाल बचने के बाद भगवान को शुक्रिया अदा किया। पूरा मामला देखिए। सोनभद्र के बीजेपुर थाना क्षेत्र के सिरोहित गांव में नप्पू में तुलानाथ यादव के बेटे की शादी थी। तुलानाथ के घर मध्य प्रदेश मलगांव से बारात आई। लोग डीजे की धुन पर नाचे। इसके बाद बाराती द्वार चार लगाने के लिए दुल्हन के घर पहुंचे। इधर बाराती लोगों की खरीदारी में लगे थे। इसी बीच अनपुरा गांव के दुल्हनाथ यादव के रिश्तेदार ने स्कॉर्पियो से आए और गाड़ी घर के बगल में खड़ी कर दी। सभी लोग घर के अंदर चल गए और वाहन चालक भी जलपान करने लगा। इसी बीच अंकित, जो अपने घर वालों के साथ बरहा पान से आया था, गाड़ी में आकर सो गया। इनके दौरान अंकित के पैर से स्कॉर्पियो के गियर का धक्का लग गया, जिसके बाद स्कॉर्पियो पीछे की तरफ पड़ने लगी। पीछे की तरफ ढाल होने के कारण स्कॉर्पियो तेजी से पीछे झुकने लगी, जिसके बाद देखते देखते स्कॉर्पियो लगभग 15 फीट के सूखे पुराने कुएं में जा गिरी। संयोग अच्छा था कि कुआं पुराना था और उसमें झाड़ियां उगी हुई थी और स्कॉर्पियो उसमें फंस कर उग गई। स्कॉर्पियो में कुएं में गिरने के मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोगों ने फौरन गाड़ी के अंदर फंसे अंकित यादव को बाहर निकाला, जिसके बाद परिजनों ने राहत की सांस ली। लोगों का कहना था कि भगवान का शुक्रिया, बच्चे को हल्की भी चोट नहीं और कोई चोट भी नहीं आई। PM News 24 की रिपोर्ट।